करने जा रहे हैं लैंग्वेज चैलेंज। ये हमारा लैंग्वेज चैलेंज। चलो ये यहाँ से तेलुगु का मतलब है डोंट फॉरगेट टू लाइक, प्लीज डू लाइक। तो अभी है हमारे रैंकों के बारे में विदेशी लैंग्वेजेस। तो पहले राउंड के हिसाब से दर्शा के 2 पॉइंट्स आशी के 0 पॉइंट्स। तीसरी लैंग्वेज कोई गेस्ट नहीं कर पाया, अफसोस के साथ, कोई बात नहीं, खेल जारी रहना चाहिए। तो विदेशी लैंग्वेजेस में भी तीन लैंग्वेजेस हैं। तो पहली लैंग्वेज आती है आपके सामने, मुझे पता है, मुझे पता है, रशियन। तुझे क्या लगता है रशियन? कुछ भाग घुस गया। कजाकिस्तानी। क्या? कजाकिस्तानी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये कोई लैंग्वेज नहीं होती कजाकिस्तानी, उसे कजाक कहते हैं। कजाक लॉक किया जाए। लॉक किया जाए कजाक। उनमें से गलत है एक, पता है एक ही गलत होगा। तो ठीक है, 1 2 3 ड्रम रोल। अरे ये रशियन भी है, रशियन की लैंग्वेज। नहीं, मैंने गूगल ट्रांसलेट से देखा था, रशियन और कजाक सेम सेम होती हैं, पर उनमें भाषा अलग होती है। देखो हमारे कान फट गए, हमारे ईयर ड्रम फोड़ दिए। तो पता नहीं ड्रम रोल की वजह हमारे ईयर ड्रम ही फोड़ दी। तो इसका मीनिंग है होप यू ऑल आर एंजॉइंग द वीडियो। कजाक अर्शिया के 3 पॉइंट। सारे फर्स्ट राउंड में तीन था, तीन में ये जीती है। अबे आखिरी सिद्धि कोई नहीं कर पाया था। हाँ ठीक है, ये भूल जाती है। अच्छा कोई काम करते, जो हमारी आखिरी लैंग्वेज होगी ना उसमें मिलेंगे 3 पॉइंट्स। ठीक है, आखिरी लैंग्वेज होगी। तो अभी हम अगले पे चलते हैं। ये मैं बताऊंगी। बताइए। चाइनीज। नहीं, जापानीज। जापानीज या चाइनीज, लॉक किया जाए दोनों का। चाइनीज। जापानीज। ओके, तो 1 2 3 जापानी। इसका पहला पॉइंट है। व्हाट? तो अब आखिरी लैंग्वेज में इनको मिलेंगे 3 पॉइंट, जो जिसका सही होगा। तो मीनिंग है इसका, जो आपकी स्क्रीन पे अभी आया थी लैंग्वेज, उसका मीनिंग है शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये ओके, तो अभी हमारा आखिरी लैंग्वेज। चलो आपके स्क्रीन पे आ गया है ग्रेसियस पॉर्वर। मुझे पता है जर्मनी। जर्मनी जो भी कहते हैं जर्मनी, स्टील शब्दों में जर्मनी है। पॉर्वर मैं बताऊं, फ्रेंच इनको जर्मन रूस के अलावा कुछ और नहीं सूझता क्या? अबे क्या बोला? क्या बोला? वो लैंग्वेज का नाम तक बोलना नहीं आते थे। मुझे नहीं पता ना, फिर तो बोल नहीं बोला। ग्रेसियस फॉरवर। लॉक तो बताओ क्या करना है। मुझे सोच रहे थे जर्मन लॉक किया जाए। आप हार सकते हैं बुरी तरीके से अगर आपने सही नहीं। हार तो पहले गई हूँ। नहीं, मैं लॉक करना चाहूंगी। पता नहीं, हाँ अब सोचने दो। अच्छा तो भी सोच, तब तक बस सुन कर दो। ग्रीक ऐसे, ये जर्मन, ग्रीक जर्मन, हाफ हाफ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। फ्रेंच। फ्रेंच। जर्मन। जर्मन 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 जर्मन। स्पैनिश। स्पैनिश है, स्पैनिश है। वही मैं सोच के हैरान हो गया यार, इतनी सिंपल सी उन्होंने इंग्लिश में टाइप किया है तो स्पैनिश लगी नहीं रही थी मुझे भी। इसका मीनिंग है थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब ये आखिरी था। वॉचिंग की जगह साथ हमारी एंड होती है पीपीटी। अब हम करेंगे डिस्कशन, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम बचा है। होपफुली करने के बाद रिव्यू करेंगे, जैसे वो लोग बेडरूम में किया था रिव्यू। अगर आप देख रहे हो तो सिटी का अरेंजमेंट भी वही है, मेरे साइड यहाँ पे आशी है, उस साइड में अर्शिया है।
यहाँ पे फोटो देख रही होगी आपको, उसमें भी वही सीटिंग अरेंजमेंट। आप अपने हार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो हार कह रहे हैं यहाँ पे, ये आपके मुंह पे मोड़ दूंगा। मुझे बहुत खुशी कि भाई कहता है। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी कि भाई कहता है। तो भाई को चाहता हूँ तो मेरा हाथ ही पकड़ सकते हैं कि भाई कहना। Much, much, much later. क्या ही है भाई? ये थोड़ा भाई बहन की लड़ाई चलती रहेगी। आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, 3-4 मिनट। ठीक है, 3-4 मिनट फुलझड़ी आगे बढ़ती, 1-2 सेकंड। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं चैलेंज जीत गई। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जल्द ही आने वाला है F1's Got Talent, वो भी जरूर देखना। तो मैं F1's Got Talent की जज होंगी मैं। ये तो मिलते हैं अगली बार। ये है आपका प्राइज, आपको मिलता है नया डाला।